इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बाय करने के लिए जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा वो 100% ऑनेस्ट होगी, चाहे तुम इस वीडियो को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो। पहली बात, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हीलियो G95 जो है वो हीलियो G80 के बराबर में, इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई ये है कि ग्राफिक्स जो तुम लोग हीलियो G80 में देखते हो ना, सिमोस विद अल्ट्रा, बैलेंस विद अल्ट्रा एंड HD विद हाई, वही सेम तुम्हें जो है ना हीलियो G95 में मिलेंगे, तो ये चीज़ इक्वल आ गई। और अगर बात करते हो ना कि इन्फिनिक्स ने ये चीज़ ओवरहीटिंग को बचाने के लिए की है, तो मैं मानता हूँ हाँ इन्होंने इसीलिए ये चीज़ की है। जैसे अगर तुम लोग हीलियो G80 में गेम प्ले करते हो तो उसमें तुम्हें 30 या 32 FPS मिलेंगे अगर एनिमीज तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन जो हीलियो G95 है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसके हिसाब से तुम्हें वहाँ पे जहाँ पे 30-32 FPS मिल रहे हैं वहाँ पे तुम्हें जो है ना 39 या 38 FPS मिलेंगे। इसीलिए ये जो है ना एक अपग्रेड हो गई एक हिसाब से, ठीक है। और अगर बात करूँ 30,000 का जो बजट है ना, उसमें मेरी जो प्रीवियस वीडियो में कोशिश थी ना जिसमें मैंने बताया था डोंट बाय इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, वो मेरे बताने का ये मकसद था कि मैं तुम्हें वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस नहीं बल्कि सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बताऊं। ऑलरेडी जब 08i इतना अच्छा चल रहा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन देखी है, 08i की जो बैक कैमरा है वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की जो बैक कैमरा है उससे वीक है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से थोड़ी सी अच्छी है। और 08 की बात करते हो तो वो भाई टोटल अपग्रेड है, मतलब बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों जो है ना अच्छी है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के मुकाबले। अगर बात करें इस फ़ोन के बारे में तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है एंड कैमरा जो है ना वो तुम लोग कह सकते हो डिटेल काफ़ी अच्छी है बैक कैमरा की और फ्रंट कैमरा की भी, लेकिन जो कलर्स हैं जो डायनामिक रेंज है वो अच्छी नहीं है, तो आप इसकी जगह स्नैपचैट इंस्टाग्राम ये सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो है ना डिटेल फिर लॉस हो जाएगी और कलर्स और डायनामिक रेंज तुम्हें मिल जाएगी अच्छे से। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस अपग्रेड है, लेकिन जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है वो इक्वली आ गई, ठीक है, क्योंकि GPU का जो है ना इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, CPU जो है वो G95 का थोड़ा सा अच्छा है, तो इसकी वजह से तुम्हें फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू हीलियो G80। 08i जो है वो यूज्ड कंडीशन में तुम्हें 26-27 हज़ार का मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ 08i के बारे में तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, G90D प्रोसेसर है, कैमराज भी ठीक ठाक हैं, सब चीज़ अच्छी है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जैसा ही है, लेकिन जो 08i है उसकी प्राइस इतनी कम मिल रही है, मतलब 26-27 हज़ार, और कहाँ पर नोट 10 प्रो जो है ना वो 30-31 हज़ार, तो उस हिसाब से जो है ना मुझे थोड़ा सा लिटरली थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। अब लोग तो कहेंगे भाई डील ब्रेकर है, इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये बात मैं दिल से मानता हूँ कि कोई भी ब्रांड इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। जहाँ पे वीवो Y31 जैसे घटिया फ़ोन बिक रहे हैं, तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो तो 1,00,000 गुना उस फ़ोन से अच्छा ही हुआ। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए ना, तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका मोटिव यही था कि तुम्हें मैं सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बताऊं। अब देखो 31-30 हज़ार के अंदर तुम्हें 08 भी मिल जाता है 5-6 मंथ्स वारंटी के साथ लेते हो, तो अब 08 को अगर नोट 10 प्रो से कंपेयर करोगे तो 08 क्लियर विनर है हर चीज़ में, बट कोई फ़र्क नहीं है, तुम लोग इसे ले सकते हो। लेकिन डिज़ाइन की बात करूँ, डिज़ाइन मुझे नोट 10 प्रो की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को डिज़ाइन की वजह से जो है ना अवार्ड भी मिल चुका है, एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले भी काफ़ी सही है, प्राइस को देखते हुए वही सेम जो आपको 08 में मिलता है वही सेम आपको यहां पे मिलता है, लेकिन सिंगल सेल्फी है फ्रंट में सेंटर की तरफ, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी, सेंटर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ऑनेस्ट वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि यार G80 जो प्रोसेसर है वो G95 के इक्वल है या नहीं है, तो मैं बताऊँ ग्राफिक्स जो है ना वो इक्वल हैं, लेकिन G95 की जो CPU परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको जो है ना फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े से अच्छे मिलेंगे G95 में एज़ कम्पेयर टू हीलियो G80। ओवरऑल कैमरा को देखें तो डिटेल काफ़ी अच्छी है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया बनाया है इन्फिनिक्स ने, और स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, डिस्प्ले भी अच्छा है, सब चीज़ ऑलमोस्ट अच्छी है, लेकिन मैं चीज़ कहूँगा कि जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से कम है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, लेकिन इस जो बजट है इसके अंदर तुम्हें कोई भी जो ब्रांड है HDR तक ग्राफिक्स नहीं देता Realme 6 को छोड़ के। लोग कहते हैं Realme 6 के अंदर जो है ना हीट होता है बहुत, तो ये बात मैं मानता हूँ बिल्कुल ही हीट होता है, लेकिन अगर कोई बंदा AC में खेलता है या कोई ठंडे एनवायरनमेंट में खेलता है तो उससे जो है ना मज़ा आने वाला है Realme 6। एक ब्रांड को जब मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे क्यों स्पॉन्सर करेंगे, ये चीज़ तुम्हें सोचनी है। अगर मैं किसी ब्रांड को नीचे करता हूँ ना, जैसे मैं सोचता हूँ कि Y31 सुपर ओवर प्राइस डिवाइस है, तो इससे क्या होगा, मतलब वीवो वालों तक अगर मेरी वीडियो पहुँचती है तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में मुझे कोई फ़ोन नहीं देंगे। और जिस चीज़ मैं एग्री भी करता हूँ, मुझे अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना पसंद है और मैं हमेशा रहूँगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को तो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ आपसे ग्रिड में, तब तक के लिए बाय बाय।